अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DLED BTC तृतीय सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पर, जो कि आपके पेपर में दोस्तों 6 अंकों का आता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का आता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 अंकों के आते हैं, तो मतलब आपके 11 नंबर तो कन्फर्म है। उसके बाद हमने दोस्तों बोला है 25 में 25, तो दोस्तों ये कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका पेपर में 25 में 25 अंक बन पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग हमारी बहुविकल्पी वीडियो ना देखे हो, जी हाँ दोस्तों DLED तृतीय सेमेस्टर के हमने बहुविकल्पी वीडियो भी अलग से बना रखी है, तो उसको दोस्तों जरूर जाकर देखें, तो उसमें और आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न कैसे बन सकता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि अनुपात क्या है। तो दोस्तों अनुपात कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और आपको बता दें अनुपात का चिन्ह ऐसे लगता है 2 बार, ठीक है, ऐसे 2 बार ऐसे बिंदी लगा दीजिए, अनुपात का चिन्ह बन गया। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि गणित में अनुपात राशियों समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। जो गणित में अनुपात होता है समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं, प्रायः इसे ए संबंध बी या ए अनुपात बी कहते हैं। बस ये परिभाषा दोस्तों आपको लिख देनी है, और आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यदि दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि यदि पहले पेड़ की ऊंचाई अगर 3 मीटर है तो दूसरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी। तो दोस्तों आपने समझा दिया ना, अगर दो पेड़ों के अनुपात में हम ऊंचाई में बता रहे हैं कि दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात अगर 3:5 है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर पहले पेड़ की ऊंचाई अगर 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर या कुछ भी है, तो दूसरे की 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी मान सकते हैं, अथवा पहले की ऊंचाई 9 मीटर तो दूसरे की ऊंचाई 15 मीटर। तो अगर दोस्तों पहले की ऊंचाई 9 हो गई तो दूसरे की 15, मतलब क्या है दोनों में 3 से गुणा करती है, तो ऐसा आ गया। तो दोस्तों ये तरीका होता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या रहा आपका कि 4 घंटे तथा 48 मिनट को अनुपात में समझाइए। 4 घंटे और 48 मिनट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 1 घंटे में दिया गया और 1 मिनट में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 4 घंटे नहीं, कि आपका 1 घंटे में कितने मिनट होता है। तो सभी बच्चे को पता होगा 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों 4 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 60 से गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणे 60 कर देंगे दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 60 गुणे 4, 4×6=24, 240 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये भी अब आपका मिनट में आ गया और दूसरा आपका 48 मिनट है ही है। तो बस अनुपात में समझाना है कि आप भाग कर देंगे, 240/48 कर देंगे दोस्तों, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, भाग कर लेते हैं दोस्तों। 12×48 12×2=24, 0, 4×1=4, 4×5=20, ठीक है दोस्तों। ये तो आ गया आपका 5/1, या दोस्तों आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5/1 को 5:1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे बन सकता है। तो ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है पता है आपको, कि अगर दोस्तों आपका कुछ एक चीज अगर घंटा में दिया गया दूसरा मिनट में, तो या तो आप दोनों को घंटे में बदल लीजिए या तो दोनों को मिनट में, बस यही प्रोसेस रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या रहा आपका कि मिश्रित अनुपात क्या है, ठीक है, इसको बताना है आपको कि अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाते हैं। याद कर लेना दोस्तों आपको कि अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा प्रश्न क्या रहा आपका कि 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित करें। देखिए दोस्तों एक आपका पैसे में दिया गया 1 रुपए में, आपको पता होगा दोस्तों कि 1 रुपए बराबर आपका होता है 100 पैसा, सबको पता ना 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो दोस्तों 9 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे बताइए जरा, 9 रुपए में हो जाएंगे 100×9, तो सबको पता है पैसे का हिसाब तो बहुत तेजी से सब करते होंगे सभी बच्चे, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 900 पैसे, ठीक है। अब हम 90 पैसे और 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले बोला गया 90 पैसे, नीचे 9 रुपए का मतलब दोस्तों हमें पता चल चुका है कि 9 रुपए का मतलब होता है आपका 900 पैसे, 1 0 से 0 कट गया, 9×9=90, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 1:9,
10, या दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते थे 1/10। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1:10। गलती नहीं करना है कुछ भी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या रहा आपका कि समानुपात किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर क्या होगा। यदि चार राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से है, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं। याद कर लेते हैं दोस्तों, कैसे याद करेंगे? कि यदि चार राशियां इस प्रकार हो आपकी कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से है, तो चारों राशियां आपके समानुपात में कहलाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका? 6 नंबर की समानुपात के भेद आपको बताने हैं। आपका समानुपात दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? सरल अनुपात। दूसरा होता है आपका मिश्र अनुपात। याद करना है दोस्तों समानुपात के भेद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला सरल, दूसरा मिश्र। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न क्या रहा आपका? अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का क्या अर्थ होता है, इसको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहलाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती आपको पता ना अच्छी ना दोस्तों, जिसे हम बोलते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो फिर से इसका आंसर देखेंगे कि अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का क्या अर्थ होता है? ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने, ठीक है, या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 8वां प्रश्न क्या रहा आपके सामने? मिश्र समानुपात किसे कहते हैं, ये बताना आपको। मिश्र समानुपात, जब तीन या तीन से अधिक राशियां दी हो और उसमें एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर हो, तो मिश्र समानुपात कहलाता है। फिर से ध्यान देखेंगे दोस्तों क्या होता है मिश्र समानुपात। जब तीन या तीन से अधिक राशियां दी गई हो और उनमें एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करता हो, तो मिश्र समानुपात कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या रहा आपका? 9 नंबर कि 90 रुपए को 4:5 में के अनुपात में आपको विभाजित करना है, 90 रुपए को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका अनुपात क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। अनुपात आपका दिया गया है 4:5। ठीक है, इसको हम 90 रुपए में 2 अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों बताइए? सबसे पहले दोस्तों जो अनुपातिक योग निकाल लेंगे, इनका जोड़ कर लेंगे, लिख लेंगे हम लोग अनुपातिक योग। अनुपातिक योग 4 और 5 को दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 5 जोड़ने पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले प्रथम भाग निकालेंगे, उसके बाद द्वितीय निकालेंगे ना। पहले पहला भाग या प्रथम भाग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम भाग आपका 4 दिया गया ना पहले, तो मिट ही गया। हाँ, इसको हाईलाइट करते हैं। 4 4 का दोस्तों भाग निकालना, तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे 90/9। ठीक है दोस्तों, 9 एकम 9, 9 दहम 90, 10 गुणे 4। प्रथम भाग आ जाएगा दोस्तों आपका 40 रुपए। द्वितीय भाग में निकालने से कैसे निकाल सकते हैं? या तो 90 में से 40 घटा ले तो 50 आ जाएगा, या सेम प्रोसेस का यूज करेंगे द्वितीय भाग निकालने के लिए तो भी निकल जाएगा। द्वितीय भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 गुणे 90/9, 9 दहम 90, 5 गुणे 10 50 रुपए आ जाएगा ना। तो दोस्तों हमारा प्रथम और द्वितीय भाग निकल चुका है, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि किसी को भी 2 अनुपात में विभाजित करना। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका समझिए। इन दोनों को दोस्तों पहले हम देख लेंगे इसका अनुपातिक योग क्या आएगा। 4 5 9 कुछ भी संख्या हो, ठीक है। अगर प्रथम भाग निकालना है तो पहले आप 4 लेंगे, द्वितीय भाग निकालना है तो 5 लेंगे। ठीक, क्या क्या हमने पहले 4 को लिया, 90 का निकालना है तो 90 लिख लिया बटे जो दोनों का अनुपातिक योग था उसको नीचे लिखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, इसको यहीं पर आंसर करके खत्म करते हैं, पहला दूसरा भाग लिख के। तो दोस्तों 10वां प्रश्न क्या रहा आपका कि 3 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, हमें तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपका चतुर्थानुपाती क्या है, x है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहले दोस्तों सिंपली लिख लेंगे 3:12, फिर समानुपात का चिन्ह 15:x। तो हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है ना। तो दोस्तों हमने आपको एक तरीका बताया कि बाहर का गुणा बाहर से, बीच का गुणा बीच से, या अंदर का गुणा अंदर से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 × x बराबर हो जाएगा आपका 12 × 15। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 30, 15 × 15, 3 18/3।
ठीक है दोस्तों, भाग का लिंक 3 6 18 3 0 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, यही दोस्तों हो जाएगा आपका चतुर्थ अनुपाती। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्थ अनुपाती में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहता है, कुछ दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया था, 3 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है ना। तो 3 12 3 तो दिया गया है, और लास्ट में हम चतुर्थ अनुपाती एक्स मान लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे आज का अगला प्रश्न, और उम्मीद करते हैं पहले 10 में से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे। देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन सभी बच्चे से सही नहीं होता, अभी आप लोग का रिवीजन चल रहा है या तैयारी चल रही है, जो भी आप समझ लीजिए, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। तो दोस्तों देखिएगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, और आपको आपके सेमेस्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि निम्नलिखित को सरल कर घातांकी रूप में लिखिए। ठीक है, इसको घातांकी रूप में लिखना है सरल करके। क्वेश्चन क्या, -2/5 की घात दोस्तों 11 दे रखा है, ठीक है, गुणा का चिन्ह बीच में, और -2/5 की घात है 4। अब दोस्तों देखिए गुणा में क्या होती है, घातें आपकी जुड़ जाती हैं, ठीक है, सिंपल सा तरीका याद रखिए, गुणा में बीच में गुणा का चिन्ह है। और दोस्तों ये और देखना है कि यहाँ पर भी -2/5 लिखा है, और यहाँ पर भी -2/5 लिखा है, तभी दोस्तों सेम संख्या होने पर। अब दोस्तों यहाँ अगर 3/4 लिखा होता या कुछ और लिखा होता तो ऐसा ना होता, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो मतलब 2/5 गुणा का चिन्ह है बीच में, कोई दिक्कत नहीं, 11+2 ये हो जाएगा 4, आपकी दोनों घातें जुड़ जाएंगी, जो ये 11 दिख रही है और ये 4 है, सेम संख्या है, इसलिए बस क्या हो जाएगा दोस्तों, -2/5, 11 4 200 कितना होता है आपका 15। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि सरल ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। देखिए सरल ब्याज दोस्तों क्या होता है, वह धन जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है, सरल ब्याज कहलाता है। ठीक है, क्या है, फिर से ध्यान से पढ़ना है, वह धन जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से, जी हाँ दोस्तों निश्चित दर से प्राप्त होता है, आपका सरल ब्याज कहलाता है। अब मूलधन की परिभाषा क्या है दोस्तों, जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, या तो उधार लिया जाता है या तो दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या रहा, आइए देखते हैं कि मिश्र धन को हमें समझाना है, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को हम मिश्र धन कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसमें मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को हम मिश्र धन कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि दर किसे कहते हैं, दर ठीक है, या रेट कहते हैं अंग्रेजी में, 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज, ठीक है, को ब्याज की दर कहते हैं। फिर से ध्यान से देखना है, 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। दर का मतलब वही रेट होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, याद कर लीजिए, 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि 80 रुपए का 5 महीने का 2 पैसा प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज ज्ञात करना है आपको, ठीक है, 2 पैसा प्रति रुपए। तो आपका 1 रुपए का 1 माह का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले समझना है, 2 पैसा प्रति रुपए है ना, ये भी ध्यान देना है। तो आपका 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज या 1 माह का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया गया है 2 पैसा, ठीक है, ब्याज कितना है 2 पैसा, 2 पैसा दोस्तों हम रुपए में बदल दें तो 0.02 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा एक बात, 1 रुपए बराबर होता है आपका 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा होता है कि नहीं। तो दोस्तों 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 रुपए, जब भाग कर देंगे दोस्तों 1 पैसा बराबर 0.01 रुपए आ जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखा कि 1 रुपए का 1 माह का ब्याज आपका इतने रुपए है, तो दोस्तों सोचिए 80 रुपए का 1 माह का ब्याज कितना होगा। अब यहाँ बात करेंगे 80 रुपए का 1 महीने का ब्याज, ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, 0.02 में हम 80 से गुणा कर देंगे, 80 रुपए का 1 महीने का ब्याज आ गया। अब दोस्तों हमें प्रश्न में बोला गया कि भाई 80 रुपए का 5 महीने का हमें ब्याज बताना है, तो 80 रुपए का
माह का ब्याज, बस 5 और गुणा कर देंगे जो आएगा दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहते हैं, खाली थोड़ा घुमा के देते हैं। 0.02 गुणे 80 गुणे 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8×5=40 ही हो जाएगा आपका, 400 गुणे 0.02। ठीक है, जब गुणा करेंगे 4×2=800, ठीक है 2×10 ये आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 रुपए ना। यहाँ अच्छे से आंसर लिख सकते हैं साइड में, आंसर बराबर आपका आ जाएगा रुपए का चिन्ह पहले फिर 8, ठीक है 8 रुपए। तो समझ गया दोस्तों, 80 रुपए का 5 महीने का 2 पैसा प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज 8 रुपए होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि 750 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये आपको ये पता होना चाहिए। साधारण ब्याज ये सब होता है आपका मूलधन गुणे दर, ठीक है गुणे समय बटे 100 100। ठीक है दोस्तों हमें मूलधन दिया गया 750, दर दोस्तों दिया गया यहाँ पर 5%, और दोस्तों समय दिया गया आपका 4 वर्ष, बटे में हो जाएगा आपका 100। 1 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5×2 10, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, 75 × 2 हो गया दोस्तों कितना हो जाएगा 150। ठीक है अगर रुपए का चिन्ह बना दीजिए इसे, 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है इतना आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन ये सब प्रश्न 1 नंबर के आ सकते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न 2 नंबर के भी आ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। देखिए यदि पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए, ठीक है पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है क्या था, फिर से एक बार देखेंगे। यदि पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो हमारा जो देय ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। ठीक है अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, कि 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो कैसे होगा दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक इसका फार्मूला दोस्तों होता है आपका मूलधन, ठीक है ब्रैकेट में दोस्तों होता है 1 + दर बटे 100 की पावर समय या टाइम जिसको बोलते हैं दोस्तों, और माइनस का 1 जो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। प्रश्न में दोस्तों 400 रुपये आपका मूलधन दिया गया है, यहाँ मूलधन रख देते हैं, 1 + दर दोस्तों दिया गया 10% 10/100, समय दोस्तों दिया गया 2 वर्ष/2 माइनस का 1 हो गया क्वेश्चन दोस्तों। बस अब आपको मैथमेटिकल सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपका 400, 1 0 से 0 कट गया दोस्तों क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10, 10 + 1 = 11/10 का स्क्वायर माइनस का 1, इसको सॉल्व करना है कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 400 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121 बटे 100 माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जरा कितना हो जाएगा, 121 माइनस का 100 बटे में 100, 121 में से 200 100 हो गया, बचा कितना 400 × 21/100, ठीक है नीचे बचा आपका दोस्तों 100, 400 नहीं, ठीक है यहाँ बचेगा 100, 2 0 से दोस्तों जो 0 कट गया, 21 × 4 कितना हो गया 84, ठीक है 84 रुपए, यही आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों इस प्रश्न को इतनी आसानी से आप लोग कर सकते थे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न क्या दिया है आपका, आगे देखते हैं, 81 का 9 आधार पर लघु गणक क्या होगा, क्या बोला गया दोस्तों, लॉग ऑफ, अच्छे से लिखते हैं 81 का 9 आधार, ये दोस्तों आपका 9 आधार पर लघु गुणक पूछा गया क्या होगा। तो दोस्तों जरा बताइए 81 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा ना, या 3×4 जो मन करे आप लिख सकते हैं। तो हमें 9 आधार ही चाहिए, तो ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, तो सिंपल सा दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 81×2, 9 नहीं दोस्तों ध्यान से देखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 को क्या लिख सकते हैं, 9×2, मतलब आ जाएगा आपका 81 आएगा ना,
बराबर 202 अंतर कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, लॉग ऑफ 981 बराबर 2 लिख सकते हैं, या 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, जो भी मन करे आप लोग ऐसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल प्रश्न में दोस्तों ऐसे पूछा गया था आपका। तो अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, यदि लॉग 1296 बेस 6 बराबर 4 का घातांक रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल था इसका आंसर, तो एक लाइन का ही है, 6 की पावर 4 बराबर आपका हो जाएगा 1296, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़ रखा है ना दोस्तों आपने, कौन सा, b की पावर x बराबर y, वही लिखा था दोस्तों यहाँ पर कुछ, b की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y बेस का b या आधार b दोस्तों जो भी आप कहिए, बराबर आपका x। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1296 था, ये था आपका y, तो दोस्तों यहाँ 1296 लिखा है, b की जगह दोस्तों हमने क्या लिखा, बेस आपका 6, ये दोस्तों आपका बेस है, ये 1296 घाते आपके 4, ठीक है, तो इसको घातांक रूप में दोस्तों आप लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 4 बराबर आपका 1296, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इसी को आंसर आप लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहें तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, काफी बच्चे चाहते हैं कि सर आपके साथ व्हाट्सएप पर जुड़े, और जो भी मैथ की वीडियो थे वो हमसे पा सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख सकते हैं, 8738079216, ठीक है, 8738079216। तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि यदि लॉग, ये दे रखा है लॉग, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न क्या है उसको लिखते हैं, ठीक है, आपका दिया गया है लॉग 2 की पावर x+4, बेस में आपका ए है, बराबर दोस्तों दिया गया है लॉग ऑफ 256 बेस में ए। तो दोस्तों बोला गया हमें x का मान हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न में हमको काम करना है, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x+4, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और ये लिखा है 256, क्या हम 256 को 2 की घात में बना सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपके मन में ये उठना चाहिए कि क्या 256 को हम 2 की घात में कुछ बना सकते हैं या नहीं। तो अगर हम 2 की पावर दोस्तों 8 करते तो हमारा 256 आता है। देखिए जिन बच्चों की मैथ कमजोर है तो वो एक काम कर सकते हैं, 256 का गुणनखंड कर लेंगे, सिंपली 2 से भाग करके किया जा सकता है, 2 कितनी बार जाएगा, पहला 128 बार जाएगा, फिर दोस्तों भाग करेंगे अब आपका जाएगा 64 बार, फिर भाग करेंगे 2 से दोस्तों अब जाएगा आपका 32 बार, फिर 2 से भाग करेंगे 16 बार, फिर 2 से भाग करेंगे दोस्तों 8 बार, ऐसे भाग करते जाएंगे जब तक 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और दोस्तों लास्ट में 2 एक कम 2, तो दोस्तों टोटल 2 गिन लेंगे, 4 ये 4 ये, 2 की पावर 8, ठीक है। और जिन बच्चों की मैथ थोड़ी कमजोर है तो वो गुणनखंड ये तरीका से करेंगे। अब दोस्तों यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लॉग ऑफ 2 की पावर x+4, बेस में ए लिखा है, लिखे रहने देते हैं, लॉग ऑफ 256 की जगह दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 2 की घाते 8 यहाँ बेस से। अब दोस्तों देखिए लॉग ऑफ को भूल जाइए, या एंटी लॉग जिसे कहते हैं वो ले सकते हैं, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x+4 और 2 की पावर 8, ठीक है, सिर्फ अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है ना, तो बस हम x की चीजें लिख लेते हैं, x+4 बराबर यहाँ बचेगा 8, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 8 माइनस 4, तो हमें x का मान मिल जाएगा 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा बस, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, आपके लिए नई प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि लघु गणक को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों क्या होता है लघु गणक, यदि 3 राशियां बी एक्स एवं वाई इस प्रकार संबंधित हो कि बी की पावर एक्स बराबर वाई, तो एक्स को आधार बी पर वाई का लघु गणक कहते हैं, तो कैसे इसको दोस्तों दिखाते हैं, लॉग ऑफ, देखिए पहले क्या लिखा था हमने कि बी की पावर एक्स बराबर दोस्तों अगर वाई दे रखा है क्वेश्चन में तो हम क्या लिख सकते हैं, चलिए सबको मिटाते हैं पहले, अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन में अगर कभी आपका ऐसे दिया गया बी की पावर एक्स बराबर वाई, तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई बेस बी की बराबर एक्स, ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका आंसर, इसे इस तरह आप लघु गणक के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए ना, b की पावर x बराबर y, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये
आपका बी क्या है? आधार है, ठीक है, बेस में ही रहेगा ना, तो ऐसे लिखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि शेयर का क्या अर्थ होता है? देखिए पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक इकाई को हम शेयर कहते हैं। समझ गए दोस्तों इस बात को? पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई को हम शेयर कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि अंशधारी कौन होता है? अंशधारी, देखिए शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। प्रश्न दो तरह से बन सकता है कि शेयरधारी कौन होता है या अंशधारी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना याद रखना है कि जो शेयर खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है? देखिए सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरजेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन, ठीक है, याद रखना है। जैसे लिखा होता है आपने देखा होगा ए इंटरसेक्शन बी, बस दोस्तों इसका प्रतीक क्या होता है, तो आप इंटरसेक्शन का साइन बना देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाना आंसर क्या करेंगे? ऐसे इंटरसेक्शन का साइन और आगे लिख देंगे आंसर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि संघ समुच्चय का प्रतीक क्या है? संघ का मतलब दोस्तों आपको यूनियन हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, ए यूनियन बी, ऐसा देखा ना क्वेश्चन, तो इसका प्रतीक आपका दोस्तों होता है यूनियन, ये इसी को आप आंसर लिख देंगे बस, ए यूनियन बी, काफी सुना होगा आपने। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि समुच्चय प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं? ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो दोस्तों दो तरह की विधियां होती हैं, समुच्चय निर्माण विधि, सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर का आएगा तो आपके लिए इतना बहुत होगा, अब इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी आपको 1 नंबर में। तो समुच्चय प्रदर्शन की विधि आपको समझ में आ गई दोस्तों कौन कौन सी है? पहली समुच्चय निर्माण विधि, दूसरी सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 28 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका कि यदि ए बराबर दिया गया है और बी बराबर दिया गया है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या क्या गया है इसको लिखते हैं पहले। सबसे पहले दोस्तों हमें दिया गया है ए बराबर आपका दिया गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर 6, 8 और 11, ठीक है। बी बराबर दोस्तों में दिया गया है 5, 11 और 13। हमें निकालना क्या है दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी में जब भी निकालते हैं तो इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आया हो। दोस्तों यहां पर भी 11 दिख रहा है आपको और यहां पर भी 11 दिख रहा है, तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने सोचा होगा सिर्फ 11 होगा वो बच्चे बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। उससे पहले जब भी आप ए इंटरसेक्शन बी का चिन्ह बनाएं 11 लिखेंगे तो इसके बाद दोस्तों पहले आपको कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है, तो अगर ये लगाना भूल गए तो आपको हो सकता है एग्जामिनर 0 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर काट सकता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें x + 3 से भाग देना है। चलिए दोस्तों भाग देकर देख लेते हैं क्या होता है। x² + 8x + 17 क्या दोस्तों? लास्ट में 17 है ना, हमें भागफल तथा शेषफल दोनों बताना है। पहले दोस्तों x से गुणा करके भाग करते हैं, क्या जाएगा? गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x² + 3x। देखिए दोस्तों जब यहाँ तो गुणा करते हैं ना, हम हमेशा वही संख्या लेते हैं जिससे कि पहली संख्या हमारी कट जाए, तो ये कट गया, यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 5x, ठीक है, 8 में से 3 गया 5 + 17। दोस्तों 5x काटने के लिए हम गुणा किससे करेंगे? 5 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 एक कम 5x, ठीक है दोस्तों, और 5 15, यहाँ माइनस के चिन्ह माइनस, ये जाएगा कट, यहाँ बचेगा 2। तो दोस्तों हमारा भागफल कितना आ गया आपके सामने, साइड में आंसर लिख लेंगे अच्छे से आप लोग, भागफल। तो दोस्तों आपका भागफल आ रहा है x + 5, ठीक है, ये आपका भागफल है दोस्तों, और आपका शेषफल नीचे दिख रहा है शेषफल, तो दोस्तों आपका शेषफल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसे पूरे अंक आपको मिल सकते हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, बताइए ए बराबर बी है या नहीं, ये आपको बताना है कि ए बराबर बी है या नहीं, ठीक है, इसका आंसर या तो यस आएगा या तो नो आएगा। सबसे पहले दोस्तों में प्रश्न में दिया गया कि ए बराबर आपका 2, 4, 6, 8, 10, मतलब सम संख्या,
अब b बराबर दोस्तों दिया गया है x x, x आपका सम पूर्णांक संख्या है और x की वैल्यू दोस्तों दी गई है, ठीक है, मतलब x का मान मैक्सिमम जो होगा वो 10 होगा, 10 से बड़ा तो नहीं दिया गया, ठीक है ना, 10 के बराबर या 10 तक, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। x की वैल्यू लेस देन है ना, x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10। तो पहले दोस्तों में a बराबर क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट में दिया गया 2, 4, 6, 8 और 10। और दोस्तों हमारा b बराबर क्या दिया गया इसको लिखते हैं, देखिए दोस्तों x सम पूर्णांक संख्या है और x की वैल्यू मैक्सिमम 10 है। सम पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होना चाहिए, सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 10 होती है, सम संख्या यही होती है ना सम पूर्णांक। तो बस ए और बी दोस्तों आप देख रहे होंगे दोनों बराबर है, हमें दोस्तों ये देखना नहीं कि ए बराबर हमें क्या दिया गया था, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बी बराबर क्या दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो बी की वैल्यू है आपकी सम पूर्णांक संख्या है और दोस्तों जो बी की मान है वो मैक्सिमम 10 तक है, ठीक है, एक्स का मान या तो 10 से कम है या 10 के बराबर है, तो बराबर ए और बराबर बी है या नहीं ये आपको बताना है। तो दोस्तों हमने देख लिया ए और बी आपको बराबर दिख रहा है, तो आप लास्ट में आंसर लिख देंगे ए बराबर बी, यही आंसर, ठीक है, या लिख सकते हैं ए और बी क्या हुए समान है तो जो भी करके। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि समुच्चय ए बराबर दोस्तों दिया गया है और बी बराबर दिया गया है, तो पूछा गया क्या ए और बी, इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए दोस्तों, ए मतलब दोस्तों इस चिन्ह का मतलब ये खाली है कि ये बोला गया है दोस्तों कि जो ए के समस्त अवयव होते हैं ना, जो मतलब ए में क्या क्या दिया गया है, ए बी सी दिया गया है और बी में ये दिया गया, तो ये पूछा गया, मतलब इस चिन्ह का मतलब है कि जो ए में अवयव है क्या वो बी में उपस्थित है या नहीं, देख के दोस्तों बताइए आप लोग, जो ए में लिखा ए बी सी लिखा है और बी में क्या लिखा है, बी भी लिखा है, सी भी लिखा है, ए डी भी लिखा है, तो जी हाँ दोस्तों इस चिन्ह का मतलब बोल देंगे आप लोग, जी हाँ इसका आंसर होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दोस्तों हमने इसलिए बनाया बनाया कि क्या ये सही है या नहीं, तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे यस अर्थात हाँ, ठीक है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, बी ये चिन्ह और ये, ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब हो गया आपका कि जो बी के समस्त अवयव हैं क्या ए में उपलब्ध है, बी में देखिए क्या क्या उपलब्ध है, बी सी ए डी, यहाँ दोस्तों ए में देखिए डी तो नहीं है ना, तो बस इस चिन्ह को मतलब आप लोग हल्का सा यहाँ पर कट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ये चिन्ह दोस्तों ऐसे बना था इसको हल्का सा आप कट मार देंगे, ऐसे था ना, ऐसे कट कर देंगे, इसका मतलब बी के समस्त अवयव ए में उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नहीं। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग को डरना नहीं कि अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखें यार कहेंगे क्या है कैसे है, ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग, इसका सिर्फ रिलेशन का मतलब यही है कि ए के समस्त अवयव बी में है या नहीं आपको ये बताना था, इसका आंसर हो गया पहला हाँ, और बी के समस्त अवयव ए में है या नहीं इसका आंसर हो गया नहीं। अब दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, मतलब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के गुणनखंड करना है, तो इसमें कुछ गुणनखंड करने लायक तो है नहीं, तो बस आप सिंपल से काम करेंगे, लिखा है ना आपका ए बी प्लस का ए सी प्लस का ए डी, तो इसमें काम करिए आप लोग खाली ए को कॉमन ले लीजिएगा, बी प्लस सी प्लस डी इसी को आंसर करके छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही हो गया, बस और क्या, इससे ज्यादा गुणनखंड तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कुछ ऐसा लिखा है कि गुणनखंड आपको करना है, तो एक चीज देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो एक काम करते हैं इसमें भी कुछ कॉमन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो चलिए इसको ले लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम 7x प्लस वाई को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पहले ब्रैकेट में, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं पहला, तो क्या बचेगा दोस्तों इसके अंदर, यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा 7 × 2 = 14 ना, 2 बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस वाई, दोस्तों यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 4, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत कॉमन लेके क्वेश्चन में स्मार्टनेस दिखा सकते हैं और इतना ही आप छोड़कर आंसर कर सकते हैं, तो अगर आप चाहे दोस्तों थोड़ा बहुत और कर सकते हैं, लेकिन कोई दोस्तों जरूरत नहीं रहेगी फिलहाल, आप इतना करके आंसर करके छोड़ दीजिए, आपको एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो इतना सफिशियंट होगा इतना आंसर करना है। बस इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 7x + y को हमने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला, तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि x³ a² - bc ये और इसका क्या करना है दोस्तों, हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज देखेंगे, a² - bc यहाँ पर भी है, a² - bc यहाँ पर भी है और a² - bc यहाँ पर भी है, x³ यहाँ है, यहाँ पर x² हो जाता है और यहाँ पर x बचता है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉमन क्या लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्स कॉमन लेंगे और आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी, क्योंकि ये सभी में है कॉमन लेगी तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा। सबसे पहले तो यहाँ एक्स कॉमन ली तो यहाँ बचा आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है बस इतना हो गया। फिर प्लस का चिन्ह आएगा दोस्तों यहाँ पर 3x² था तो यहाँ बचेगा 3x, क्योंकि 1x तो कॉमन में चला गया और दोस्तों इसका स्क्वायर 2 में था तो 1 बच जाएगा एक घात, ए स्क्वायर माइनस बी सी। लेकिन दोस्तों यहाँ स्क्वायर लगा तो उसको आप नहीं लिखेंगे। प्लस का दोस्तों 4x क्या बचेगा, बस 4 बचेगा, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप गलती ना कर पाए जल्दी से वहां पर, कि गुणनखंड का मतलब ऐसा ना हो दोस्तों कि आप लोग ऐसे गुणा अंदर करके क्वेश्चन को और कठिन बनाते जाए। सिंपल से तरीके से कर सकते हैं तो आसान तरीका ही आपको अपनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपको 1 अंक पूरे मिलेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 और जो भी दोस्तों दे रखा है, का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर आप क्या लिख सकते हैं। थोड़ा फार्मूला लिख के दिखाएंगे दोस्तों सही रहेगा, एग्जामिनर पर थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। कुल पदों का योग, ठीक है सबको दोस्तों जोड़ लेंगे कुल पदों का योग, और दोस्तों बटे में क्या आ जाएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। कुल पदों के योग को हम दोस्तों सिग्मा एंथ दिखा सकते हैं, पदों की संख्या को हम एन से दिखा सकते हैं। ये सिग्मा का साइन इसलिए दोस्तों होता है कि सबको हम जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। 56 प्लस का 42 प्लस का 40, दोस्तों जो यहाँ लिखा वही हम लिख रहे हैं आपके सामने। 38 42 प्लस का 38 प्लस का 52 प्लस का 48 प्लस का 2 बार 45, फिर प्लस का दोस्तों आपका क्या है 44 प्लस का आपका 40। और दोस्तों पदों की संख्या कितनी हो जाएगी गिन लेते हैं, कुल कितने पद है, 1, 2, 3, ये हो गया 3, 6, 3, 3, 9, 10, ठीक है पदों की संख्या 10। और दोस्तों सभी को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 450, ठीक है 450/10 रहेगा, 1 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है दोस्तों सभी को आप लोग जोड़ लेंगे, जिन बच्चों को जोड़ना नहीं आता वो थोड़ा ध्यान से जोड़ेंगे गलती ना हो पाए। कैसे जोड़ते हैं दोस्तों चलिए दिखा भी देते हैं। ये लिखा था 6, 2, 8, 8, 8, 16, 2, 18, 8, 26, 5, 31, 5, 36, 5, 36, 4, 40, ठीक है 40 का 0 हासिल आया दोस्तों 4, ठीक है हासिल आपका 4 आ चुका है। ये जोड़ेंगे 5, 4, 9, 4, 13, 16, 5, 21, 5, 4, 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37, 4, 41, 41, 4 होता है आपका 45, ठीक है 450 कैसे आया दोस्तों आपको समझ में आ गए। तो जिन बच्चों के भाई जोड़ घटाना थोड़ा डाउन है कम आता है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि माध्यिका क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को हम माध्यिका कहते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर कोई संख्या लिखी है 1, 2, 3, इसकी दोस्तों माध्यिका पूछी जाए तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ये एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब दोस्तों होता है कि जितने एन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 है ना, तो फार्मूला होता है दोस्तों n+1/2। n की जगह दोस्तों हम लिखेंगे 3 + 1/2, कितना आ जाएगा 4/2। तो दोस्तों दूसरा पद ये आगे लिखा रहता है वहां पद, तो दोस्तों जो दूसरा पद होगा वो हमारी माध्यिका होगी, तो मतलब 2। अगर दोस्तों जो आपके आंकड़े हैं इसको आरोही अथवा अवरोही में ना लिखे तो क्या गलती हो सकती है, हमसे देखिए। जैसे दोस्तों 1, 2, 3 लिखा है, ये तो कभी कभी पेपर में ऐसा दे दिया जाता है, कभी दोस्तों ऐसा दिया जाए 2, 1, 3, आपको इसकी माध्यिका निकालनी है। तो दोस्तों अगर हम ऐसे निकालेंगे सिंपल तरीके से तो दोस्तों हमारा आंसर दूसरा पद आएगा, लेकिन हमारी माध्यिका 1 तो होगी नहीं, आपको भी पता है, ठीक है ये बात पता है ना। तो अगर इसको दोस्तों हम 3, 2, 1 लिखे या 1, 2, 3 लिखे, तब दोस्तों हम माध्यिका इसकी निकाल सकते हैं, बस यही बात है। कभी भी आपको माध्यिका निकालनी हो तो जो भी दोस्तों आपको डेटा डिजिट जो भी संख्या दी गई हो, या तो उसको आप बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा या उसको आप घटते हुए क्रम में लिख लीजिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है इस बात को आपको ध्यान में रखना है, या तो संख्या क्रम बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। ये दोस्तों आपके आंकड़े दिए गए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको आरोही क्रम या इसको हिंदी बोले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम।
148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। सबसे छोटा दोस्तों यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, 143 है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 145, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका 148, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपका 151, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका 152, 153, 155। ठीक है, गिन लेते दोस्तों टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ गिनते 3, 3, 6, 7। तो दोस्तों माध्यिका निकालनी है, यह एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहेगा दोस्तों हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, n+1/2 वा पद। ठीक है दोस्तों, एन की संख्या दोस्तों हमारी टोटल 7 आ रहा जोड़ने पर, मतलब संख्या टोटल 7 है ना, पदों की संख्या, बटे 2 वा पद, 7 1 8, 8/2 वा पद। ठीक है दोस्तों, भाग कर लेंगे 2 एक 2, 2 चौके 8, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया चौथा पद। दोस्तों चौथा पद कौन सा है देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 151। ये दोस्तों आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए माध्यिका, 151, 151। ठीक है, इसको हम आंसर कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि निम्न आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, पहला आंकड़ा दूसरा, दो क्वेश्चन अलग अलग है तो थोड़ा सा गैपिंग कर देते दोस्तों दोनों प्रश्नों में। देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पर टाइप किए जाते हैं, आप लोग के लिए मेहनत काफी की जाती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या की जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई हो, या जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वही उस क्वेश्चन का बहुलक होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12। देखने में दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 12 सबसे ज्यादा बार आपको सुनाई दिया, फिर 12, फिर 12, फिर 12। दोस्तों 4 बार 12 आपको दिख गया, और अगर 12 से अधिक कोई संख्या आई है तो उसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन फिलहाल हमें लगता है इस क्वेश्चन के लिए 12 होगा। आप लोग आराम से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उसमें 19, 25, 26, 38, 25, 20, 18, 38, 3, 38, 22 और 38। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 38 सबसे ज्यादा बार रिपीट आपको दिख रहा होगा, 38 यहाँ, फिर 38 यहाँ, फिर 38 यहाँ, फिर 38 यहाँ, तो 38 चार बार आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 38। ठीक है, और दोस्तों हो सकता है कभी कभी कोई संख्या बराबर बार रिपीट हुई, जैसे कोई संख्या दो दो बार बराबर नहीं हो जा रही, जैसे आपके 38 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रही दोस्तों, आवृत्ति कितनी बार हुई, 4 बार। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि जो 3 लिखा इसकी भी आवृत्ति हुई 4 बार होती, तो क्या करते, तो 2 बहुलक होते आपके, 3 और 38 दोनों उस कंडीशन में। तो चलिए ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि द्रव के आयतन का मापन किसमें किया जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि द्रव का आयतन किसमें निकालते हैं, हम निकालते हैं इसको लीटर में। ठीक है, याद रखना है लीटर में, बस इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल अगर 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों हमें कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्या दिया गया है लिख लेते हैं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, आप जो भी मन करे वो लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए किसी भी फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई आपकी दिया गया था 48। ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं खाली, आपको समझ गए आप लोग। ठीक है, और दोस्तों उसकी ऊंचाई हमें दी गई है, हाइट कितनी दी गई है, 5 मीटर, पूरा लिख लेते हैं ऊंचाई, ठीक है 5 मीटर। तो कमरे का आयतन, देखिए आयतन निकालने के लिए आपको पता होगा फार्मूला, आपको पता होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई चाहिए होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर आ चुका है, ऊंचाई ये दिया गया है, तो बस फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दिया गया 48, ऊंचाई आपका है 5 मीटर, 48 पंजे कितना होता है दोस्तों, 240। ठीक है ना, 4 पंजे 20 होता है, 8 पंचे 40 होता है, तो ऐसे 240 आ जाएगा, और दोस्तों ये आपका आंसर आएगा मीटर क्यूब, या आप इसको बोल सकते हैं घन मीटर।
जो भी दोस्तों आपका मन करे आपको आंसर कर सकते हैं, घन मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, 240 मीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रखने हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आगे देखते हैं कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर शंकु लिखा है, उसके बाद बेलन लिखा है, तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले शंकु का आयतन लिख लेते हैं। शंकु का आयतन, ठीक है, और दोस्तों अपॉन में आपका रहेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, बस इसी में आपको अनुपात ज्ञात करना है, ये क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। अगर गलती से आपने बेलन पहले लिख गया तो इस प्रश्न के लिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr²h, और आपका बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अगर आपको सिर्फ फार्मूला भी पता हो तो आपका काम हो जाएगा। देखिए πr²h कट जाएगा, बचा कितना दोस्तों आपका, ऊपर 1/3 और नीचे बटा बचा 1 आपका। ठीक है, तो 3 नीचे आ जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा 1/3। तो दोस्तों दोनों आयतन में अनुपात आ जाएगा आपका 1:3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि देखिए यहाँ पर एक ही और लिखा था, समान लंबाई, समान ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आर और एच हमारे पहले से समान थे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। नहीं तो दोस्तों कभी कभी आपको दे रखा रहता है कि शंकु का आयतन या शंकु की लंबाई ऊंचाई क्या दी रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आइए देखते हैं कि पार्श्व आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों ये ओ है, ये आपके वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। ए सी और बी, वृत्त पर 3 बिंदु है। देखिए बिंदु ए है, सी है और बी है, 3 बिंदु है। कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण, कोण ए ओ बी का, ठीक है दोस्तों इसको ध्यान रखना, कोण ए ओ बी, ठीक है, ये का प्रतिवर्ती कोण आपका 240 अंत है, मतलब प्रतिवर्ती का मतलब इस साइड के दोस्तों, इस साइड का एंगल नहीं। ठीक है, तो कोण आपका एसीबी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अगर आपका ये 240 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, सबको पता है कि कोण एसीबी बराबर, मतलब ये ना कोण आपका एसीबी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका कोण ऑफ एओबी का प्रतिवर्ती कोण, जैसे लिखा था दोस्तों आप लोग यहां से लिख लीजिएगा, यहां पे लिखा है ना प्रतिवर्ती कोण, आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती लिखा है। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लेंगे, 1/2 गुणे में दोस्तों यहाँ पर लिखा है 240 अंक। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 2 1 कम 2 2 2 4 0, तो दोस्तों आ जाएगा आपका कोण ए सी बी बराबर आपका 120 अंश। ठीक है, ये आपका रहा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आते हैं, तो आप लोग को तैयार रखें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से उसको कर सके। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। तो सोच के दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त का अंश माप होता है आपका 180 अंश। देखिए दोस्तों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, वो अलग चीज है, इसीलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए पिक किया लिया है कि आपको ये ध्यान में रहे। नहीं तो आप लोग दोस्तों खाली क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से सोचेंगे यार अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो आंसर इसका हम 90 अंश करते हैं जल्दी से, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न कुछ अलग है, पूछा गया कि आपका अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है, आपका होता है 180 अंश। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि आपका अर्धवृत्त में बने कोणों की माप कितनी होती है। देखिए दोस्तों, हमने सेम क्वेश्चन इसलिए ले लिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोस्तों अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 90 अंश। अर्धवृत्त में बने कोणों की माप कितनी होती है, वो होती है समकोण, या आप इसका आंसर कर सकते हैं कि अर्धवृत्त में बने कोणों की माप आपकी होती है 90 अंश। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः ये दिया गया है। ठीक है, तो आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप माध्यिका निकालना, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई संख्या सम है या विषम, और जो भी संख्या दोस्तों आपको दी गई जैसे 140, 142, 135, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, या आप इसको दोस्तों बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 133 है ना, 133, फिर दोस्तों लिखेंगे 135, फिर उसके बाद दोस्तों क्या 135 के बाद 137, 140, ठीक है, 137 के बाद दोस्तों आपका 138 भी दिया गया, इसके बाद आपका हो जाएगा 140,
फिर दोस्तों आपका है 142, फिर दोस्तों आपका 148 और 150। ठीक है, गिन लेते, 8 है ना हमारी संख्या, 4 4 8। तो हमें इन आंकड़ों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। कैसे होगा दोस्तों, अगर कोई संख्या सम है तो उसकी माध्यिका निकालनी, तो इसका फार्मूला होता है एन बाई टू। ठीक है, एन बाई टू हुआ पद प्लस एन बाई टू प्लस वन वा पद, और 200 सबके बटे में होता है आपका 2। तो n की संख्या दोस्तों हमें यहाँ पहले बोल दिया गया कि 8 बालिका, तो n की संख्या हमारी आ गई 8। 8/2 वा पद, ठीक है, प्लस का 8/2 प्लस 1 वा पद बटे में दोस्तों आप लोग लिखेंगे 2, भाग कर देंगे 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, 4वां पद प्लस 200, देखिए 2 4 8, 4 ये बचा प्लस का ये 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5वां पद। अभी आपको दोस्तों बताते, जो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा आरोही क्रम, उसका फायदा क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पर चौथा पद लिखना है और यहाँ पर हमें लिखना है 5वां पद। गिन लेते दोस्तों चौथा कौन सा आएगा। यहाँ से दोस्तों जब गिनेंगे, गिनती शुरू करेंगे, ये 1 2 3 और 4, चौथा पद दोस्तों ये होगा, 5वां पद ये होगा। अगर दोस्तों हम इसको आरोही क्रम में ना लिखे होते क्वेश्चन के हिसाब से, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए जरा आप लोग, 1 2 3 4, चौथा पद हमारा 133 आता ना, जो कि गलत होता। अब दोस्तों हमारा चौथा पद 138 आ रहा, 5वां पद 140 आ रहा है। 138 प्लस 140, 138 140/2। ठीक है दोस्तों, जोड़ देते हैं सबको, यहाँ 8 आ जाएगा, 4 3 7 और 1 1 2/2 हो जाएगा दोस्तों। भाग कर लेते हैं कितनी बार जाएगा, 2 1 2, ठीक है, 2 3 6, 2 9 18। तो दोस्तों हमारे इसका आंसर आ जाएगा 139, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगर दोस्तों माध्यिका निकाला, अगर सम संख्या तो ये फार्मूला लगेगा, अगर दोस्तों आपकी विषम संख्या तो आपका सिंपल सा फार्मूला लगेगा, एन प्लस 1/2। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे आगे वहां पर, मेरा हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये कैसे कट जाएगा। विषम संख्या जैसे होती है दोस्तों, एक रहेगा तो 1 + 1/2, अगर दोस्तों ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो कटेगा कैसे दोस्तों, पूरा पूरा बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए दोस्तों हम ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आइए देखते हैं। 3 की घाते 4 / 3 की घाते 5 / 3 की घाते -9 / 3 की घाते 2 का आपको मान बताना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 3 की घाते 4 लिखा दोस्तों, / 3 की घाते 5 / 3 की घाते -9 / 3 की घाते 2। तो दोस्तों आप हर जगह देख रहे हैं, 3 यहाँ लिखा 3 यहाँ लिखा 3 यहाँ लिखा 3 यहाँ। तो दोस्तों इसमें घाते आप जोड़ सकते हैं, अगर आप हर जगह 3 3 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, कुछ भी सेम संख्या है, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपली 4 + 5, देखिए चिन्ह जो रहेगा दोस्तों उसको वैसे लिखेंगे जैसे यहाँ माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 ही लिखेंगे और प्लस का 2 लिख देंगे। जरा दोस्तों जोड़ते हैं, 5 4 9 होता है, 9 2 11 होता है, प्लस प्लस जोड़ लिए माइनस का 9। अब दोस्तों 11 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3 की घाते 2, और 3 की घाते 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 3 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 की घाते 2 को दोस्तों आप कैसे लिख सकते हैं, 3 / 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 3 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका BTC 2016 में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आगे देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आप खींचना है, उस वृत्त पर एक बिंदु P लेना है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है और रचना मत लिखिए। चलिए ठीक है, रचना हम नहीं लिखते हैं, तो कैसे करेंगे दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप एक वृत्त खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसकी त्रिज्या आपकी दोस्तों कितनी है दिखा देते हैं, बिल्कुल बीच बीच से। तो दोस्तों ये आपका एक वृत्त हो गया 3.5 सेंटीमीटर का। देखिए दोस्तों ये कैसे खींचते हैं हम आपको बता दें, जो आपके एक स्केल होती है, पटरी होती है जो भी आपके पास, तो एक गोला प्रकार का एक नोक लेंगे सबसे स्टार्टिंग में, और दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर पर अपनी पेंसिल रखेंगे। तो दोस्तों इसकी जो लेके ऐसे आप एक वृत्त खींच लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वृत्त खींचना, तो गोला प्रकार की मदद से पेंसिल लगा के आप एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो हमने वृत्त खींच लिया है और हमने एक बिंदु दोस्तों हमें लेना है। ठीक है, क्या बोला गया, इतने सेंटीमीटर एक वृत्त खींचना है, उस वृत्त पर एक बिंदु P ले लीजिए और P से वृत्त की स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, तो कहीं भी दोस्तों आपका मन जहां करे वहां पर आप P बिंदु लेके एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और कहीं भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हम यहाँ पर ही ले लेते, एक बिंदु P ले लेते हैं, एक रेखा खींच दीजिए दोस्तों जो बिल्कुल खाली टच करते हुए चली जाए, यह इस वृत्त की आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी।
और थोड़ा ही अच्छा लगे तो एक काम और कर सकते हैं, तरीका को दोस्तों आप लोग ऐसे पूरा मिला लीजिए, ऐसे ऐसे सबको जोड़ दीजिए तो अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। और दोस्तों कल यहाँ पर आपको मेन ध्यान रखना है, यहाँ पर बिंदु पी आप लिख देंगे, पी इसलिए कह रहे दोस्तों यहाँ पर लिखने के लिए क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था कि बिंदु पी लेना है और पी से ही वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। और यहाँ तक कि दोस्तों हमारी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है और ये वृत्त की त्रिज्या है। नामकरण करना कर दीजिए, ए बी ले लीजिए, ओ यहाँ लिख दीजिए, सी डी लिख दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि log base 10 1 का मान आपको बताना है, log 1 base 10 का मान बताइए। तो दोस्तों इसका मान हमेशा याद रखिए, log base 10 1 का मान आपका होता है 0। क्या होता है दोस्तों? 0। आप इसको रट्टा मारे रखना है जो भी करिए, ठीक है। log base 10 1 का मान आपका होता है 0, ठीक है, इतना याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, आपको यह बताना है। तो दोस्तों जो आपका लाभांश होता है शेयर के प्रारंभिक मूल्य या नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है, बस इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बीटीसी 2017 में पूछा जा चुका है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि लाभांश आपके शेयर के प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि समुच्चय ए बराबर दोस्तों ये दिया गया, बी बराबर दोस्तों ये दिया गया, तो समुच्चय आपको ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको बताना है, क्या होगा? तो लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले ए बराबर क्या दिया गया आपका, कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और दोस्तों आपका बी बराबर क्या दिया गया, आइए देखते हैं, 1, 5, 9, 13, 17 और 21। और दोस्तों आपको आंसर बताना है, क्या करना है आपको बताना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान, एक यूनियन वाला दोस्तों होता है उसमें दोनों कॉमन, सबको लिख लेते हैं दोस्तों, मतलब जो कॉमन रहे ना रहे सब कुछ लिखना होता है, और ए इंटरसेक्शन बी में दोस्तों सिर्फ हम वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन दोस्तों देखते हैं क्या क्या है, यहाँ 2, 2, 3, 3, यहाँ देखिए दोस्तों 5 है और बी में भी 5 है, तो ये दोस्तों कॉमन हो गया। 5 के बाद दोस्तों 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन हो गया दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो बस हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मान आ चुका है। क्या क्या दोस्तों लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होता है, 5, 9 और 13। देखिए दोस्तों अगर हमसे कभी छूट जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ मेथड से बता रहे हैं, आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए कि कभी ए यूनियन बी निकालते तो सब कुछ लिख लेते हैं जो ए और बी दोनों में होता है। हाँ लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे, जैसे 5 दोनों में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 2 बार 5 लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, लेकिन सब कुछ, जैसे बी में 1 भी आ रहा है ना, तो ए यूनियन बी निकाले तो 1 भी लिखेंगे और 1 और 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, ऐसा है। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में होता है, उन्हीं संख्याओं को हम लिखते हैं, ठीक है, 5, 9 और 13। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आइए देखते हैं, 9a² - 24a + 18a³ को 3a से भाग देकर आपको भागफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आपको सिर्फ भागफल से मतलब है, कैसे करेंगे आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 3a से भाग देना है, सिंपल सा भाग वाला प्रोसेस करेंगे 3a, ठीक है, भाग इसको देना है 9a² - 24a + 18a³, ठीक है। पहले कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, देखिए 3 3 9 होता है ना, तो 3a बार दोस्तों हम भाग करेंगे, पहले जाएगा तो कितना हो जाएगा, a से इसलिए करें दोस्तों, जब a का गुणा a से होगा तो आपका a² भी तो आना चाहिए, तो एक बार दोस्तों जाएगा कितने जाएगा, 3 3 9, 9a² आ जाएगा ये, और ये दोस्तों जाएगा आपका कट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे आप, बचेगा कितना आपका 24a। अब दोस्तों कितनी बार आपका जाएगा भाग भाग भाई ये बताइए आप लोग, तो 3 8 24, 8 बार जाएगा ना, ठीक है 8 बार तो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह भी लाना है तभी तो ये कटेगा। देखिए दोस्तों हमारा मेन मकसद ये होता है ना, जो यहाँ पर चिन्ह है, देखिए अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, देखिए पहले यहाँ पर +9a था ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लस था तो हमने प्लस का लाया, अब यहाँ पर पहले से माइनस का दे रखा है तो हमें माइनस का चिन्ह के साथ ही लाना पड़ेगा, ये होता है रूल, ठीक है। अगर हम दोस्तों 8 बार ले जाते हैं, ठीक है, तो 3 8 24 तो आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन ये सही नहीं होता, इसलिए दोस्तों -8 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर -24a आएगा। अब दोस्तों माइनस माइनस चिन्ह था, ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा और आपका बचेगा 18a³। अब दोस्तों ये यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये प्लस का 18 है, तो दोस्तों इस बार हम माइनस का चिन्ह नहीं लाएंगे, प्लस के साथ ही जाएंगे, और दोस्तों कितनी बार जाएगा देखिए जरा,
3 × 6 = 18 होता है, ठीक है, 6 बार तो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए क्यूब है। दोस्तों जब हम ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका ये सिंपल सेम सेम आ जाएगा, ठीक है, 18 ए क्यूब, 6 × 3 = 18 ए क्यूब आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और माइनस का चिन्ह करके इसको घटा देंगे, तो दोस्तों आपको कुछ आंसर ये आ जाएगा आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसमें 3a - 8 प्लस का 6a² ये आपका भागफल। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्या आंसर आया आपका दोस्तों, 3a - 8 प्लस का 6a², ठीक है। तो थोड़ा सा ये अच्छा लगे तो इसको और हम अच्छे से लिख लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से लिख लेते हैं, पहले 6a² लिख देना, फिर प्लस का 3a, फिर माइनस का 8, लिखा वही चीज है लेकिन थोड़ा सीरियस लिखेंगे तो एग्जाम में थोड़ा खुश हो जाएगा और आपको हो सकता है और अच्छे अंक दे दे, वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन देगा तो 1 ही नंबर मिलेगा, लेकिन अच्छे से लिखिएगा आप लोग तो समझ में आ गई होगी आपको ये बात। भाग देना आसान होता है लेकिन ध्यान यह रखना था कि आपको जहां पर जो चिन्ह है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले से हमारा प्लस का चिन्ह था तो दोस्तों हमने प्लस में ही लाया फिर उसको माइनस करके काटा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है ध्यान से कि यहाँ माइनस का चिन्ह था तो हमने यहाँ पर माइनस लाया उसको बाद प्लस करके काटा, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपका, आइए देखते हैं कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है दोस्तों, ये वृत्त है का केंद्र ओ है यहाँ पर, और कोण ओबीसी, कोण ओ बी ये वाला सी 40 अंश है, तो दोस्तों हमें कोण बी ए सी का मान बताना है आपको। दोस्तों कौन सा कोण बताना है, ये वाला कोण बी ए सी, ये कितने अंश का होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप लोग देखिए वृत्त वाले क्वेश्चन देखते हैं आप लोग डर जाते हैं कि आप हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे छोड़ देंगे, जबकि ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला आपका कोण कितना हो जाएगा ये बताइए जरा, कोण ओ बी सी तो दिया गया 40 अंश, ओ बी सी बराबर दोस्तों हमें दिया गया 40 अंश, तो दोस्तों कोण आपका ये वाला कितना हो जाएगा ओ सी बी, बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों। एक चीज याद रखना है दोस्तों, आपको जो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, देखिए दोस्तों ये वाला जो भुजा है ओ बी और ओ सी हमेशा बराबर होगी, क्योंकि दोस्तों ये वृत्त की त्रिज्या है ना, ये बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये वाली त्रिज्या ओ बी भी त्रिज्या ओ सी भी त्रिज्या, तो ये हमेशा सेम होगी, तो दोस्तों अगर ये 40 अंश, ये भी आपका 40 अंश हो जाएगा। जब दोस्तों आपको पता चल गया कोण ओ सी बी बराबर ये भी 40 अंश है आपका, क्यों 40 अंश है, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, समान भुजा है समझ गए ना, क्यों समान है, वृत्त की त्रिज्या है तो हमेशा समान होगी। अब दोस्तों बात करेंगे कोण बी ओ सी कितना होगा आपका, ये 40 तो आप समझ गए होंगे 40 40 80, तो 180 में से 80 घटा देंगे 100 अंश आ जाएगा। तो सॉल्व करके थोड़ा सा लिख लेते हैं कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ मेहनत किया है, कोण बी ओ सी, ठीक है, कोण बी ओ सी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस का 40 प्लस का 40, ठीक है, दोनों 40 40 दोस्तों जोड़ लेंगे। अब दोस्तों देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है, जब दोस्तों हम 180 में से 80 घटाते तो आपका आ जाता है 100 अंश, तो दोस्तों हमारा कोण बी ओ सी बराबर आ गया 100 अंश। अब दोस्तों हमें बताना था कि कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों आपका जो कोण बी ए सी होगा ना ये वाला कोण कितना हो जाएगा, सिंपल था यार 1/2 करके, क्योंकि कोण बी ओ सी कर देंगे बस, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बस 1/2 कोण बी ओ सी हमने निकाल लिया अभी 100 अंश, ठीक है, भाग कर देंगे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0, तो दोस्तों आपका कोण बी ए सी बराबर आ गया 50 अंश, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कोण बी ए सी बराबर 50 अंश, ये क्वेश्चन आप समझ में गए होंगे, तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो ये कोण बी ए सी जो ये दोस्तों आपका वृत्त पर बना था कोण ना यहाँ पर बिंदु पर, तो ये दोस्तों हमेशा इसका डबल होता है, ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ध्यान में रखना है तो गलती कर सकते हैं आप लोग, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं कि 2 घंटे 15 मिनट तथा 45 मिनट से अनुपात बताइए, तो आपको अनुपात का क्वेश्चन मिल गया है, तो दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट को पहले हम क्या करते हैं 1 मिनट में ले आते तो सही रहेगा ना, कुछ अच्छा रेशियो बनेगा, 2 घंटे
15 मिनट। तो दोस्तों 1 घंटे में कितना मिनट होता है पहले आप लोग बताइए। सभी बच्चों को पता है कि 1 घंटे में होता है आपका कितना मिनट, सोचिए सोचिए। 60 मिनट। आसान था, क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2 घंटे में कितने मिनट होगा दोस्तों? 2 घंटे में आपका मिनट हो जाएगा, डबल कर देंगे, 2 गुणे 60 मिनट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120 मिनट। 2 घंटे में आपका दोस्तों 120 मिनट हो गया आपका। तो 2 घंटे 15 मिनट में कितना मिनट होगा? 2 घंटे में 120 मिनट, तो जोड़ लीजिए जरा, 120 प्लस का 15। तो दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट यहाँ लिख लीजिए आप लोग, 2 घंटे 15 मिनट। देखिए बिल्कुल आपको बेसिक समझा रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, कभी गलती ना करें लाइफ में। 135 मिनट हो गया, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपका 135 मिनट होता है और आपको 45 मिनट में अनुपात बताना है, बस कुछ नहीं है। 135/45 कर देंगे, आंसर आ गया आपका। 15 3 45, 15 9 135, 3 1 3, 3 3 9, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 3/1, या आप ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं 3:1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, 3:1। तो ये क्वेश्चन था आपका, ऐसे करना था। तो हमने दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया कि आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए इसको देखते हैं। कि 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आयतन का फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आयतन का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, ये होता है आयतन का फार्मूला। तो 8 मीटर लंबी, ये दोस्त इसकी यूनिट देखिए क्या है, मीटर में दिया गया, ये भी मीटर में दिया गया, ऊंचाई भी। और दोस्तों जो ये मोटाई दी गई है ना, चौड़ाई जिसके बोल सकते हैं, ये सेंटीमीटर में। तो या तो हमारा सब मीटर में हो या तो हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में हो। तो दोस्तों जब हमें मोटी दीवार दिया गया, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 20/100 कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो दोस्तों ये आपका मीटर में आ गया। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0.2, 0 कर दीजिए या सिर्फ 2 लिख लीजिए, 0.2 मीटर, ठीक है, ये आपका बचेगा। तो इतनी बार दोस्तों अब आपको समझ में आ गई कि आपका जो चौड़ाई आ रही है उसको हम 0.2 मीटर कह सकते हैं। बस हो गया फार्मूला, सब कुछ तैयार है, लिख देते हैं। लंबाई के दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 8 मीटर 8, और दोस्तों चौड़ाई की जगह हम मान लेते हैं ये आपका है 0.2 मीटर, गुड़े दोस्तों ऊंचाई की जगह आपका है 3.5। अब सबका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये 8 रन देते हैं। 35 दूनी दोस्तों होता है 70, 35 दूनी होता है 70, 2 अंक 10 लगेगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 7 56, ठीक है दोस्तों, जब 70 का या 0.7 के गुणा 8 से करेंगे तो 8 7 होता आपका 56, यही आपका आंसर आएगा 1 अंक पर, ठीक है। ये वाला 0 था, इसको भी अगर लगा देते तो 2 अंक पर, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ये दोस्तों जो आंसर आएगा ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, या आप इसको लिख सकते हैं घन मीटर, जो भी आपको समझ में आए उस समय वो लिख दीजिएगा पेपर में, दोनों सही है, मीटर क्यूब या घन मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है दोस्तों? 5.6 मीटर क्यूब, ठीक है, इसको आंसर कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोग को तैयार रहना है, अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। यदि समुच्चय ए की वैल्यू दी गई दोस्तों और समुच्चय बी बराबर दिया गया है, तो आपको बताना है दोस्तों ए यूनियन बी और ए इंटरजेक्शन बी ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया गया है दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से। आपको दोस्तों दिया गया ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में 8, 12, 15 और 16, ठीक है, ये दिया गया है ना। और दोस्तों बी बराबर आपका क्या दिया गया, इसको लिख लेते हैं 8, 15, 17 और 20। और आपको निकालना क्या क्या है दोस्तों, उसको लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें निकालना है ए यूनियन पी। दोस्तों जहां यू वाला साइन आप देख लेते तो इसका मतलब ये होता है जो ए में लिखा है उसको भी लिखेंगे, जो बी में लिखा है उसको भी लिखेंगे, सबको लिख लेंगे, बस बात खत्म। अब ये नहीं कि दो दो बार लिख लें, देखिए पहले दोस्तों 8 आया तो 8 लिखेंगे, 8 के बाद दोस्तों 12 है 12 लिख लेंगे, 15 दोस्तों यहाँ भी है 15 भी लिख लेंगे, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं। 15 के बाद दोस्तों आपका आ रहा 16, इसको भी लिख लेंगे, 17 नीचे वाले मारा यहाँ और 20 ये आ रहा है, ठीक है, 16 17 और 20, ठीक है, पूरा लिख लेंगे। अब दोस्तों बात आती है ए यूनियन बी तो निकालिए, अब ए इंटरजेक्शन बी निकालना है। ए इंटरजेक्शन बी का मतलब दोस्तों ये होता है जो दोनों में कॉमन हो, जैसे
दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, आठ इसमें भी है, आठ इसमें भी है, ए और बी दोनों में आठ आठ आ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 15 आ रहा है। कॉमन आपको दोस्तों देखना है बस, 16 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 12 इसमें भी नहीं है, ठीक है, 8 और 15। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा आपका, 8 और 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा और ए यूनियन बी क्या होगा। यूनियन बी में सबको लिख लिया जाता है और ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन देखते हैं। यहाँ 8 था और यहाँ भी 8 था, इसको लिख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 12 यहाँ है, इसमें नहीं है, 15 है यहाँ पर, यहाँ भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आज देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, और ये बीटीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आगे देखते हैं कि वाहक चेक किसे कहते हैं। वाहक चेक, ठीक है, वह चेक जिसे किसी व्यक्ति के नाम से दिया जाता है और नामित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बैंक में इंगित रकम प्राप्त कर सकता है, वाहक चेक कहलाता है। तो समझिए दोस्तों वाहक चेक क्या है। तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि यह वह चेक होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से दिया जाता है, जैसे आपके नाम से दे दिया जाता है, और अगर आपका नाम है तो आप व्यक्तिगत रूप से बैंक में इंगित रकम प्राप्त कर सकते हैं, वाहक चेक आपका कहलाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बीटीसी 2017 में, डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं कि लॉ बेस में आपका 6 है, 1296 का मान ज्ञात करना है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि b की पावर x बराबर अगर दोस्तों y लिखा है, तो इसका मतलब होता है आपका log ऑफ y, ये दोस्तों b क्या रहा था, ये नीचे आ जाता है बेस में, बराबर आपका x हो जाता है। ये फार्मूला सभी बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया था log ऑफ 1296 यहाँ बेस में 6, तो इसको कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन से दोस्तों हम देखेंगे क्या लिखा था आपका। ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, ये आपका दिया गया है, जो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हम आपको ये ब्रैकेट में कर रहे हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका दिया गया क्वेश्चन में ऐसा कुछ, ठीक है ना, यही लिखा है ना, बगल में लिख भी देते हैं, आप लोग इसको मैच करा लीजिए तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। नीचे आप 6 था बेस में 1296, ठीक है, और ये आपका दोस्तों फार्मूला बनता है ऊपर जो आपका लिखा है। तो वाई की जगह दोस्तों क्या होगा, सोच के आप लोग बताइए। तो सभी बच्चों को पता चल रहा होगा, जो हमारा वाई है यहाँ पर लिखा है ऐसे, इसको हाईलाइट करते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो उसका मतलब होगा आपका 1296। तो दोस्तों आप लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1296 बराबर क्या हो जाएगा, बी की पावर एक्स होता है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये 6 तो रह गए, इसको हम 6 की पावर 4 कर देंगे। अब 4 कहाँ से आ गया दोस्तों, देखिए जब हम 6 की पावर 4 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1296। 6 को हम 4 बार गुणा करते हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 6 संग होता है 36, और 36 गुणा 6 216 होता है। अब 216 में हम 6 से गुणा करके दिखा देते हैं, 6 संग 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऐसा कुछ। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइनली आंसर, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग ऑफ बेस में नीचे रहेगा 6, 1296 बराबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि हमने पूरा बिल्कुल आपको बेसिक समझा दिया कि कैसे हमने किया। पहले वाला आपको फार्मूला बताया कि b की पावर x बराबर y होता है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ y बेस b बराबर x, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ साफ अगर हम ऐसे लिखें तो ये दोस्तों आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 1296 यहाँ पर, और दोस्तों जो आपका बेस में दिया रहता है वो 6 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। देखिए दोस्तों अगर आपको समझ में ना आ रहा है क्वेश्चन, तो आप सिंपल सा एक तरीका अपनाइएगा इस क्वेश्चन में। ये ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में दिखे आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे लिखा 1296, ठीक है, आप सिंपल से इसको देखते हैं, बोलेंगे ये 6 के घात 4 होता है, इसका फैक्टर कर सकते हैं, जैसे भी कुछ भी क्वेश्चन आए आपका इसको फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये फार्मूला अपनाइएगा जो हमने लिखा है, लॉग ऑफ मतलब बी की पावर एक्स बराबर वाई, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, बी की पावर एक्स देखिए यहाँ पर लिख के हम आपको समझाते हैं, 1296 बराबर आपका था 6 की घात 4। हमने फार्मूला दोस्तों आपको बताया बी की पावर एक्स बराबर वाई, ठीक है, ये फार्मूला बताया दोस्तों। तो इसका फार्मूला आपका पूरा होता है लॉग रूप में जब लिखते हैं, तो लॉग ऑफ वाई बेस बी बराबर आपका आता है एक्स, ठीक है दोस्तों। तो मतलब इसी क्वेश्चन में दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, अगर इसको हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, दोनों को दोस्तों हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक्स बराबर आपका आ जाता है 4, बी बराबर दोस्तों आ जाएगा 6, और वाई बराबर आ जाएगा आपका 1296। दोस्तों जो लिखा उसी को हम देख के लिख दे रहे हैं, ये वाई बराबर लिखा है,
ये बी यहाँ था, तो दोस्तों बी ये हो जाएगा, घाते में ये था, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका फार्मूला है, आपका यहाँ दिख रहा है आपको फार्मूला अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लॉ, नीचे क्या बी, बी की जगह दोस्तों आपका आ जाएगा नीचे 6, वाई की जगह दोस्तों आपका 1296 और एक्स की जगह दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, 4 आ जाएगा ना, बस यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बड़ा सा आंसर लिख देंगे, आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा जो हमने आपको बताया लास्ट में, ये तरीका अपनाएंगे आप लोग सही रहेगा। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आइए देखते हैं। कितने समय में 7,500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपए हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपका साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा मूलधन, ठीक है, या पीआरटी बटे 100 लिख दीजिए, या तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, 7,500 रुपए पर, मतलब मूलधन ये आपका दोस्तों दिया गया है, दर ये दिया गया है आपका साधारण ब्याज, और समय दोस्तों हमें निकालना है। साधारण ब्याज कितना दिया है, 4,125, 4125 लिख देंगे, बराबर मूलधन की जगह दोस्तों 7,500 रुपए लिखेंगे, गुणे दर कितना दिया गया दोस्तों 11%, और समय दोस्तों नहीं मान दिया गया तो हम इसको टी मान लेते हैं, टी फॉर टाइम, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो ये कट गया, और अब ये लिख सकते हैं 4,125 बटे, ये दोस्तों नीचे आ जाएगा ना 75, और दोस्तों ये 11 था इसके साथ, तो ये भी नीचे जाएगा 11। अब टी को यही रहने देते हैं, टी को क्यों आगे पीछे करें, भाग करके दोस्तों देख लेते हैं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों। सबसे पहले 11 से भाग करेंगे, 11 33, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 33 7 8 और 2 11 77, ठीक है, 77 ना 5 82 होता है, 5 5 बचा 11 5 55, तो 11 कम 11 ये कट गया। अब 275 से भाग करके देखते हैं, 75 5 होता है 375, चाहे गुणा करके देख लें, 50 25 का 5, 5 से 35 2 37, तो दोस्तों आपका टी बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। अब दोस्तों यहाँ पर कोई यूनिट तो नहीं, लेकिन आप जब आंसर लिखेंगे तो 5 वर्ष करके लिखेंगे तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर खाली आप लिख देंगे टी बराबर 5, तो 5 महीना भी तो समझ सकते हैं ना कुछ लोग, 5 दिन भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, तो आप लोग पूरा प्रॉपर आंसर लिखेंगे 5 वर्ष। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आसान था तो आपको समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, आइए देखते हैं। यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप अगर 70 है, 70 अंश है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। देखिए किसी वृत्त का अंश माप कितना होगा, पहले आपको यह पता होना चाहिए वृत्त का अंश माप, कोई वृत्त दोस्तों टोटल कितना अंश का कोण बनाता है बताइए। किसी वृत्त का अंश माप होता है आपका टोटल आपका 360 अंश, सबको पता है, कुछ नया नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर लघु चाप आपका दिया गया, लघु चाप का अंश माप जो भी दिया गया है यहाँ पर 70 अंश, लघु चाप का अंश माप आपको दिया गया 70 अंश, तो दोस्तों आपका दीर्घ चाप का अंश माप कितना हो जाएगा, दीर्घ चाप पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर का अंश माप, ठीक है, कितना हो जाएगा माप है ना दोस्तों ये, तो सिंपल सा दोस्तों आप लोग 360 में से अगर आप 70 घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो आपका दीर्घ चाप है कितने अंश का बन रहा है। तो जब 360 में 70 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा आपका 290 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं तो आप लोग को ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात है। क्वेश्चन आसान था लेकिन हो सकता है बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाए, दीर्घ चाप का अंश माप ये सब क्या दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि यदि 5 की घाते 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप आपको ज्ञात करना है। फिर हम बोलेंगे दोस्तों आपको हमने जो फार्मूला बताया था, बी की पावर एक्स बराबर होता है आपका वाई, इसको दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ वाई बेस में दोस्तों आपका बी बराबर हो जाता है आपका एक्स, इसको कंपेयर कर लेते दोस्तों क्या लिखा था हमारा बराबर में, ये लिखा था ना आपका 5 की घात 3 बराबर 125, बस इसको दोस्तों आप लोग कंपेयर करके लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे दोस्तों अगर इसको लिखना होगा तो आप लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे लॉग ऑफ 125 जो 5 था ये नीचे आ जाएगा और जो घाते थी वो आगे चली जाएगी, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप लोग इसको नहीं बना पाते तो आप लोग बस सिंपल सा इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा,
बी की पावर एक्स बराबर वाई होता है, तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये होता है लॉग ऑफ वाई बेस में बी बराबर एक्स। तो इसको कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कैसे, लिखा था 5 की घात 3 बराबर आपका 125। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आपको समझा दे रहे हैं, और हमारा फार्मूला आपने पढ़ा है कि बी की पावर एक्स बराबर होता है आपका वाई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कंपेयर करके आप लोग सबकी वैल्यू लिख सकते हैं कि वाई बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखने पर वाई बराबर 125 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों b की पावर x है ना, तो यहाँ 5 की घात 3, तो मतलब b की जगह आप b बराबर आ जाएगा आपका 5, और घात में x बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, आपने सभी का मान निकाल लिया है। अब दोस्तों हमने फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था फार्मूला, क्या होता है लॉग ऑफ y b b बराबर x। ठीक है, तो जो दोस्तों आपने बताया जहां पर जो वैल्यू पुट करनी पुट कर दीजिए, बस हो गया आंसर। y की जगह दोस्तों आपको क्या लिखना होगा, 125 सिंपली। ठीक है, और b की जगह दोस्तों आपको क्या लिखना होगा, नीचे 5 बराबर एक्स की जगह आपको लिखना है 3। बस ये आंसर हो गया। जो भी तरीका आपको समझ में आए वो तरीका आप अपना सकते हैं, क्वेश्चन आसान है, पेपर में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि रेखांकित एवं विरेखित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका BTC 2018 में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे रेखांकित क्षेत्र, ये क्या होता है, जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे की तरफ, ठीक है, दो तिरछी रेखा खींची जाती है तथा रेखाओं के बीच अकाउंट पे, ठीक है, ए सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अकाउंट पे शब्द लिख दिए जाते हैं, तो ऐसे चेक को हम रेखांकित चेक कहते हैं, तो जिसकी राशि धारित खाते में ही जाती है, ये याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है बियरर चेक, ये क्या होता है, इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बैंक से जाकर खाते से पैसे निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस चेक को आप किसी भी आदमी को दे दीजिए तो वो बैंक से जाकर भाई पैसे निकाल लेगा, ये है आपका बियरर चेक। और रेखांकित चेक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा है, इसको देखते हैं, कि यदि 8x x व 18 समानुपात में हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। क्या लिखा गया है, 8 यहाँ अनुपात में हो जाएगा x, फिर समानुपात का चिन्ह दोस्तों लगाएंगे, फिर दोस्तों आ जाएगा आपका x अनुपात है 18। ये बोला गया दोस्तों समानुपात में हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा बीच का गुणा बीच में करना है और बाहर का गुणा बाहर करना है, ठीक है, या मध्य का गुणा मध्य में, बाहर का गुणा बाहर में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स गुणे एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं अभी, और 8 गुणे 18। ठीक है दोस्तों, ये जो डॉट का चिन्ह होता है इसको भी गुणा का चिन्ह कहा जाता है। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर 18 8 दोस्तों कितना होता है, 144। ठीक है, तो एक्स बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट 144 हो जाएगा, और दोस्तों 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके एक्स की 12, अंडर रूट 144 का मान कितना होता है दोस्तों, 12। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आपका BTC 2018 में पूछा जा चुका है। कुछ बच्चों को यह प्रश्न आसान लग रहा होगा, कुछ बच्चों को कठिन लग रहा होगा, तो दोस्तों आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा है, आइए देखते हैं, कि एक ही वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, कोई वृत्त है उस पर कोई बिंदु दिया गया है, वहां से आपको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाकर हम दिखा देते हैं, कोई एक दोस्तों ऐसे आपका वृत्त बन गया, और मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है इस जगह, ठीक है, कहीं पर भी आप मान सकते हैं, आप बिंदु P दिया गया, ठीक है, किसी दिए हुए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी, तो मतलब आप एक सीधी लाइन अपने स्केल पटरी जो भी हो उसे आप लोग खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, AB PQ CR जो भी मन करे आप दे दीजिए, यहाँ पर केंद्र O दिखा दीजिएगा, वृत्त बनाएंगे, तो बस हो गया, आपके 1 नंबर कंफर्म हो गए, 1 नंबर फ्री मिल गया, बस इतना ही करना था। और वृत्त बनाएंगे दोस्तों वो गोले प्रकार की मदद से ही बना पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं कि भाई ऐसे हाथ से गोला खींच देंगे, नहीं तो दोस्तों हम चाहते तो हम आपको भी ऐसे एकदम ऐसे बनाते हैं, ऐसे दिखा देते, लेकिन पेपर में अच्छा लगना चाहिए, एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे, तो आप लोग थोड़ा जो आपकी स्केल आती है, पटरी आती है, गोला प्रकार, ये सब लेकर जाइएगा पेपर में, एग्जामिनर को अच्छा लगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं, कि समुच्चय ए बराबर दिया गया और समुच्चय बी बराबर हो तो ए माइनस बी का आपको मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर दोस्तों क्या दिया गया, पहले इसको लिख लेते हैं, ए बराबर दोस्तों आपका दिया गया कर्ली ब्रैकेट में 2 3 5, ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज, बी बराबर दोस्तों आपका दिया गया है 5, 7 और 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ये दिया गया है। तो आपको मान किसका बताना है, ए माइनस बी का मान क्या होगा, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों देखिए हमें ए में से बी को घटाना, तो बराबर सिंपल सा लिख लेंगे, ए माइनस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या दिया गया, 2, 3, 5 है ना, 2, 3, 5, ठीक है, बी बराबर दोस्तों आपका क्या था, 5, 7 और 3। दोस्तों देखिए कभी भी हम ए माइनस बी करेंगे, पहले देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर भी 3 दिया गया, यहाँ पर भी 3 है, मतलब 3 से 3 तो कट गए। अब दोस्तों अब बी में क्या बचता है हमें उससे मतलब नहीं होगा, हमें ए में क्या बचेगा, 2। देखिए एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 दिया गया है, ठीक है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों ए में क्या बच रहा है आप इसको ध्यान दीजिए, खाली ए में आपका बच रहा है ये 2 बचेगा ना खाली, तो बस ए माइनस बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब बी में क्या बचता है हमें उससे मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी, जो ए में बचेगा दोस्तों वही आपका आंसर होगा, तो कर्ली ब्रैकेट में आपका आंसर आ जाएगा 2, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तैयारी रखनी है कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है, ऐसे आसान से क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, आइए देखते हैं, ठीक है। -12/7 × -14/27, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, ये दिया गया, इसको बोला गया सरल करना है आपको, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बीटीसी 2018 में पूछा जा चुका है, तो मतलब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। -12/7 दोस्तों गुणे में कर देंगे -14/27, ठीक है, और बीच में दोस्तों हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह दिया गया है, माइनस का 8/45 गुणे में 9/16। तो एक काम करते हैं, जो ये ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों, पहले इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा सॉल्व देखते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ठीक है दोस्तों, 2 बार चला गया, और 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, ठीक है दोस्तों, 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा। दोस्तों इसी याद रखिए, जब -1 और -1 ऐसे हम दिखा रहे हैं, जब माइनस और माइनस का दोस्तों गुणा होता है तो हमेशा प्लस में चिन्ह में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर -4 आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर -2 है ये वाला, तो -4 और -2 का दोस्तों जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे में यहाँ 9 रहेगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पर भी दोस्तों देखते हैं क्या होगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, ठीक है। ऊपर दोस्तों क्या बचा आपका, माइनस का 1 बटे दोस्तों नीचे बचेगा 5 × 2 = 10, ठीक है, ये बचता है। यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन, अब दोस्तों लिख सकते हैं इसको 8/9। अब दोस्तों ये माइनस के चिन्ह जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 3 गुणा कर लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10 × 9 = 90। चलिए आपको करके दिखाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, ठीक है, नीचे क्या होगा दोस्तों, 3 गुणा आप लोग को पता होगा ना, 10 का गुणा इधर कर रहे हैं, 9 का गुणा इधर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 × 8 प्लस का 1 × 9, ये 3 गुणा हमने कर दिया, 10 × 8 = 80 प्लस का 9/90 दोस्तों, 80 + 9 हो जाएगा 89/90, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आ चुके हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन बच्चों से गलतियां होती होंगी, तभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप लोग जल्दबाजी में कोई गलती ना करें, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 89/90। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 66 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 66 नंबर, कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों जब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हमारा जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, 1/2 × आधार × ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसकी दो भुजाएं दी गई है, एक को हम 1/2 मान लेते हैं, एक को आधार मान लेते हैं 4, और दोस्तों ऊंचाई आपके अगर 6 सेंटीमीटर है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12। देखिए दोस्तों दोनों सेंटीमीटर में दिया गया, जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, या इसको लिख सकते हैं आप लोग वर्ग सेंटीमीटर। तो काफी बच्चे जल्दबाजी में करते हैं क्या दोस्तों, क्वेश्चन तो पूरा सही करके आते हैं, फार्मूला सही लिखते हैं, लास्ट तक सही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जो इसकी यूनिट होती है, जैसे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिखा, बच्चे होते हैं जल्दबाजी में सेंटीमीटर ही लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप इतनी सी गलती करते हैं तो एग्जामिनर
अगर आपका एक नंबर का प्रश्न है तो उसमें आधा नंबर काट सकता है। तो जल्दबाजी में दोस्तों आप लोग गलती मत करिए। जो बच्चे 25 में 25 का टारगेट लेके चलते हैं तो उनको ये सब छोटी छोटी मिस्टेक से बचना चाहिए। दोस्तों होता है क्या, 25 में आप 24 पाते हैं, 23 पाते हैं, बाद में कहते हैं सर हमने तो सब कुछ सही किया था, नंबर कहाँ काट लिए गए। दोस्तों नंबर आपके यही कटते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। यदि 9x 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया दोस्तों, पहले 9 दिया गया है, फिर इसको x मान लेते हैं, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, 12 व 16 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको यहाँ पर x का मान बताना है। हमने क्या बोला दोस्तों, बाहर का गुणा बाहर से कर दीजिए, अंदर का गुणा अंदर से कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये 12 × x आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 16 × 9। ठीक है, 16 × 9 ये दोस्तों कितना होता है, ये आपको बताना है अभी। ये हो जाएगा दोस्तों 12x = 16 × 9 = 144। ठीक है, x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा आपको 144/12, भाग कर देंगे 12 कम 12, 12 × 24। तो दोस्तों हमारे यहाँ से x का मान आ जाएगा 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने तैयार करके गए होंगे पेपर में तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर किए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन दोस्तों BTC 2019 में आ चुका है, ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर जो पिछले साल का क्वेश्चन है उसको भी बता दिया करिए वीडियोस में। तो दोस्तों हम उसको भी डिस्कस इसलिए करते हैं कि आप लोग को पता तो चले कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आप तैयारी करते जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इससे आपको ये फायदा होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 68 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 68 क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं। x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों गुणनखंड से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये तो आपको भाई बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए गुणनखंड होता क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह। हमने दोस्तों आपको बताया कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो आपको जोड़ कर आंसर आता है, माइनस होगा तो घटा कर आता है। माइनस है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गुणा किसका किसका करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। पहले और अंतिम का गुणा करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 × 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, गुणा करने पर 10 आ रहा है। और दोस्तों जो ये बीच में 3 आपको दे रखा है, ये 3 दिया गया है ना, इसको देखिए हाईलाइट करते हैं, ये वाला 3, इस पर आपको फोकस करना है कि ये जो 3 आया है यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह देख लिया तो मतलब हमें घटाकर 3 लाना है। ऐसा गुणा करिए दोस्तों, 10 का फैक्टर बनाए कि घटाकर 3 आ जाए। अगर दोस्तों हम 5 × 2 करते हैं तो कितना होता है, 5 × 2 = 10 तो होता है, और 5 में से दोस्तों हम 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा आपका, तो ये बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिखा है x², हमने फैक्टर बना लिया कि भाई पहले हम 5x जोड़ देते हैं और 3x घटा देते हैं, तो यहाँ 2x था ना दोस्तों, 5 × 10 था ना, 2x घटा देते हैं और माइनस का 10 ऐसे लिखे रख देते हैं। ठीक है, घटाने पर कितना आ जाएगा आपका, 3x फिर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉमन लेना शुरू करिए। यहाँ x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x + 5 - 2 कॉमन लेंगे दोस्तों क्या बचेगा, x + 5। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोनों तरफ x + 5 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अब दोनों तरफ से हम x + 5 को कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों हमारा बचेगा कितना है, ये x बचेगा, ये -2 बचेगा, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं 2019 में, आपको तैयार रखना है कि जब इस बार आपका पेपर हो तो आप लोग ये सब छोटी गलतियां ना कर पाए, और उम्मीद करते दोस्तों आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ चुका है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया कि 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान देखने में लग रहा है लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहाँ पर दोस्तों डिजिट आपकी दे दी 15 सेंटीमीटर यूनिट। ठीक है, 2 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, एक काम कर सकते हैं, या तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लें या तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें। अब दोस्तों ये इकलौता है हमारा जो सेंटीमीटर में और ये 2 मीटर में, तो यहाँ पर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब ये अकेले सेंटीमीटर में, तो 215 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो भाग कर दीजिए बस आप 100 से, 15/100 हो जाएगा, ये आपका हो गया मीटर में। जब भाग करें तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, ये 2 दशमलव ऐसे आगे आ जाता है ना। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब दोस्तों हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का हमारा सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई आपकी कितनी हो गई, 6 मीटर दिया गया यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है ना 6 मीटर। उसके बाद दोस्तों हमारी जो चौड़ाई थी, ये आपकी ये चौड़ाई हो जाएगी 15 की, 0.15, और दोस्तों ऊंचाई यहाँ पर क्या दी गई है, 2.5। ठीक है, मीटर, सब मीटर में गुणा कर लेंगे तो
15 × 6 15 × 6 90 होता है दोस्तों, ठीक है ना। 15 × 6 90 दो अंक पर दशमलव होगा, यहाँ पर आएगा। अब 2.5 से फिर गुणा कर लेते हैं इसको, जो आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए दोस्तों, 0 कर देते हैं, 25 9 कितना होता है आपका, 225 होता है, ठीक है दोस्तों। लास्ट में 0 लगा देते हैं हम, टोटल दशमलव गिन के अब लगा देंगे। देखिए 2 अंक पर यहाँ दशमलव, 1 अंक पर यहाँ पर है, 2 1 3 अंक पर दोस्तों दशमलव लगाना, मतलब हमारा आंसर आएगा 2.25 मीटर का क्यूब। एक घन में आयतन निकालना था दोस्तों, तो हमारा आंसर क्यूब में आएगा, क्योंकि 3 बार दोस्तों मीटर मीटर का गुणा होगा, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो वैसे भी मीटर का क्यूब आपका आंसर बन रही है, तो आप लोग यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार रखिए कि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन है, खाली आपको एक चीज ध्यान रखना है, जल्दबाजी में अगर आपको पढ़ते गए लगे बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ मीटर देखेंगे, यहाँ मीटर देखेंगे, अब यहाँ आपने सेंटीमीटर की जगह सोचा कि मीटर ही लिखा है, तो यहाँ से आपसे गलती हो सकती है, तो इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं कि 49/5 में किस संख्या से गुणा करें कि आपका गुणनफल 42 हो जाए। तो दोस्तों वैसे क्वेश्चन में यहाँ लिखा था 9 से 4/5, ठीक है, तो हमने सोचा कि यार यहाँ पर लिखने में आसानी रहेगी, 49/5 ही कर देते हैं। तो आपको समझ जा रहा चाहिए क्वेश्चन हमारा है, ये बोला गया था कि 9 से ही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा गुणनफल आपका 42 हो जाए, ये आपको बताना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो पहले दोस्तों ये अगर लिखा है, तो सबसे पहले आपका प्रोसेस कैसे होता है, हमने 49/5 कैसे लिखा ये जान लीजिए। पहले दोस्तों जो हम करते हैं, 9 को गुणा 5 में करते हैं, 9 × 5 = 45, और दोस्तों जो ऊपर 4 होता है इसको जोड़ लेते हैं, और जो नीचे हाथ में 5 लिखा उसको वैसे लिखे रहने देते हैं, 9 × 5 = 44, 49। तो दोस्तों ये बनता है आपको 49/5। तो इतना दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि 49/5 कहाँ से आया था। अब बोला गया कि किस संख्या से गुणा करें कि आपका गुणनफल 42 हो जाए। तो सिंपल से अगर आपको नहीं पता कि किससे गुणा करना है, तो मान लीजिए ना दोस्तों कि 49/5 में हम अगर हम एक्स का गुणा करते हैं, ठीक है, एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल 42 हो जाता है। मैथ है तो मैथ में मानने बहुत अच्छा रहता है कि कुछ भी मानना है, कुछ एक्स से कर लें, ए से कर लें, बी से कर लें, ठीक है। बस क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार इतना आसान क्वेश्चन था, अब क्या करना है, x बराबर दोस्तों करेंगे तो 3 गुणा हो जाएगा 42 × 5/49, ठीक है, तो 7 से भाग कर दें, 7 × 7 = 49, तो दोस्तों सब कुछ गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 30/7, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ध्यान में रखना है, या तो आप इसको आंसर ऐसे कर सकते हैं, 7 × 28, ठीक है, 2 30/7, ये करेंगे तो भी सही रहेगा दोस्तों, क्यों ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था पेपर में, तो एग्जामिनर को जो भी पसंद है दोनों आंसर कर दीजिएगा, अथवा करके होता है ना, और लगा देते, अथवा लगा देते, या लगा देते, जो मन करे दोस्तों आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपकी जान लेगा 1 नंबर में। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कि 4/(x²−y²)9 का गुणनफल आपको करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहले अच्छे से लिखते हैं, 4 बटे आपका x² है माइनस का y²/9, ठीक है, इसका गुणनफल करना है। आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, a² - b² का क्या होता है दोस्तों, आपका a+b और आपका होता है a - b, ठीक है, ये फार्मूला सभी बच्चों ने पढ़ रखा है पहले से, कोई नया नहीं है, नहीं आता तो याद कर लीजिए, a² - b² बराबर क्या होता है। तो इसको हम दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको देखते हैं, 4 लिखा है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2/(x²)2, कर सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, नीचे x² आ जाएगा, माइनस का y/3 लिख दीजिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है 9 होल स्क्वायर कर दिया, कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, जो प्रश्न में लिखा था वैसा ही हमने लिखा, कुछ भी बदला नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ये आपका a² बन गया, ये हो गया -b², ये फार्मूला दोस्तों हमारा बन गया जो हम चाहते थे, और बस हो गया। इसको दोस्तों दो भाग में आप तोड़ लीजिए और लिख दीजिए, 2/(x)+y/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में माइनस लिख दीजिए, हो गया आंसर 2/(x)-y/3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने 71 क्वेश्चन देख लिया है अति लघु त्रिक के, उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियोस को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और देखते रहिए जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए,
एक बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। जो क्वेश्चन रटने वाले होंगे उसको हमने आपको खुद बताया कि आप ये फार्मूला रट्टा मान लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन आप लोग रट्टा मारें तो होगा क्या दोस्तों, कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देते हैं ना, खाली आगे पीछे करें तो आपने जो रट्टा मारा था सब कुछ भूल जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए।